वानी कंकाल कांड की, जिसके मुख्य आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में हिंदू संगठनों ने हरियाणा के पलवल में बड़ी पंचायत कर दी है, जिसे मोनू मानेसर के समर्थक धर्म पंचायत का नाम दे रहे हैं। खबर समझ लीजिए, दरअसल 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई गाड़ी मिली थी, उसमें दो लोगों के नरकंकाल मिले। मृतकों की पहचान 25 साल के नासिर और 35 वर्ष के जुनैद के रूप में हुई। नासिर और जुनैद राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले थे। इनके हत्या का आरोप बजरंग दल और गौरक्षक दल से जुड़े लोगों, ये वो गाड़ी थी जिसमें नासिर और जुनैद की बॉडी मिली थी, जली हुई हालत में कंकाल मिला था। अब इनकी हत्या का आरोप बजरंग दल और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों पर है, जिसमें से एक है मोनू मानेसर। अब मोनू मानेसर के समर्थन में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग महापंचायत कर रहे हैं, जिसमें दावा है कि मोनू जो है वो गौ रक्षक है, भक्षक नहीं है, ये उनका दावा है। और उनका दावा है कि मोनू मानेसर को, ये वो तस्वीरें हैं मोनू के समर्थन में, मोनू पर किस तरह से महाभारत छिड़ गई है, बीएचपी वहां पर पहुंच गई है, हिंदूवादी संगठन पहुंच गए, और उनका यह आरोप है कि ये मोनू मानेसर को, क्योंकि वो गौरक्षक है, इसी वजह से उसको फंसाया जा रहा है, इसके पीछे गौ तस्कर हैं, ये आरोप है इन लोगों का जो हिंदूवादी संगठन है। लेकिन ये लड़ाई अब समझिए सिर्फ मोनू मानेसर तक बात सीमित नहीं रह गई है, दो राज्यों की सीमाओं से निकलकर ये पूरा जो विवाद है ना, ये सियासी कुरुक्षेत्र में भी पहुंच गया, जहां हिंदू संगठन खुद को धर्म रक्षक बता रहे हैं और मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। महापंचायत हुई है, जिसे ये लोग धर्म पंचायत का नाम दे रहे हैं। महापंचायत में मोनू मानेसर के समर्थन में जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे हैं। मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा के पलवल में हिंदू महापंचायत बुलवाई गई। हिंदू संगठनों में पुलिस, राजस्थान पुलिस के तौर तरीकों और कार्रवाई को लेकर आक्रोश था। देखिए, खबर समझ लीजिए, महापंचायत में दो बड़े संकल्प लिए गए, साथ ही कई मांगे भी रखी गई हैं। यहां आए हिंदूवादी नेताओं को इस बात का डर है कि मुस्लिम वोट के लिए राजस्थान सरकार इस केस के बहाने गौरक्षकों को टारगेट करना चाहती है, ये आरोप है हिंदूवादी संगठनों का जुनैद और इसके जरिए, और इसलिए महापंचायत में हिंदूवादी नेताओं ने अपनी मांगे सामने रखी है। मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं क्या क्या मांगे रखी गई हैं। सबसे पहली मांग ये रखी गई है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, नासिर जुनैद हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जांच पूरी होने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो। नंबर तीन, मोनू मानेसर और दूसरों के खिलाफ केस वापस हो। नंबर चार, ये जो महापंचायत हुई है उसमें जो मांगे रखी गई है, हिंदू संगठनों से माफी मांगे अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये मांग है हिंदूवादी संगठनों की, वीएचपी की, जो पलवल में मोनू मानेसर के समर्थन में धर्म पंचायत हुई है। मोनू मानेसर गौरक्षक है, ये दावा है हिंदूवादी संगठनों का। और पांचवी मांग है कि मोनू मानेसर और साथी रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं है, ये कहा गया है। छठी चीज जो कही गई है, धर्म संसद में गौ रक्षा करने का अधिकार देता है संविधान। सातवीं बात कही गई है कि इन संगठनों ने गहलोत सरकार को चेतावनी दे दी है कि राजस्थान की जेल गौ रक्षकों के लिए कम पड़ जाएगी। आठवीं बात, इस धर्म संसद में या धर्म पंचायत में, महापंचायत में, कि हिंदुओं पर केस कर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की जा रही है और सनातन धर्म के खिलाफ, अगली जो चीज है सनातन धर्म के खिलाफ है गहलोत सरकार, यह आरोप। और दसवीं चीज, हिंदूवादी नेताओं ने कहा है कि गौरक्षा अपराध, तो हर हिंदू अपराधी, ये पूरा मामला जो है एक तरीके से गौरक्षक बनाम गौ तस्कर बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मोनू मानेसर जो कि आरोपी है हत्याकांड का, मोनू मानेसर जो कि आरोपी है जुनैद नासिर हत्याकांड का, भिवानी कंकाल कांड का, मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा में कई शहरों में पंचायत हो रही है। खबर है कि मंगलवार को मानेसर में हिंदू पंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें मोनू मानेसर के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, गांव के लोग वहां पर पहुंचे। पंचायत में शामिल लोगों ने आरोप लगाया था कि गौरक्षकों को राजस्थान सरकार फंसाने का षड्यंत्र कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बजरंग दल जैसे संगठन और मोनू मानेसर नहीं होते तो उनका इलाका मिनी पाकिस्तान बन गया होता। ये वीएचपी और हिंदूवादी, मतलब सारे हिंदूवादी संगठन, वीएचपी जितने हैं, ये सब मोनू मानेसर के समर्थन में खड़े हो गए और राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि तुष्टिकरण की वजह से मोनू मानेसर को टारगेट किया जा रहा है, गौरक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, ये आरोप है।
मंगलवार को राजस्थान सरकार मानेसर में मोनू के घर भी पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद भीड़ का गुस्सा देखकर लौट गई। आज मोनू मानेसर और चार आरोपियों के समर्थन में पलवल में हिंदू महापंचायत बुलाई गई। मैंने आपको बताया महापंचायत में चार राज्यों के हिंदूवादी संगठनों के लोग जुटे और महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। हिंदू समाज पर झूठे केस दर्ज कर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश का आरोप भी लगाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा है कि मोनू मानेसर और साथी रक्षक हैं, भक्षक नहीं है, और मोनू के खिलाफ साजिश को सफल होने नहीं दिया जाएगा। क्या मांगी की गई है, क्या आरोप लगाया जा रहा है, महापंचायत में क्या कुछ हुआ, पूरी खबर समझ जाएंगे आप बयानों को सुनकर। मेवात में बैठे गौ हत्यारों के कलेजे दहल जाए, उनकी छुरियां वहीं रुक जाए, और जयपुर में बैठे उस कंस की औलाद को ये स्पष्ट हो जाए कि उसकी तालिबानी पुलिस कुछ नहीं कर सके। आज अगर हम इकट्ठे हुए हैं तो हम मोनू मानेसर जैसे अपने उन सभी योद्धाओं के लिए इकट्ठे हुए हैं कि वह इतना कमजोर ना समझे कि अगर उन दो तस्करों की अगर कहीं भी अपनी रंजिश के चलते हत्या हो जाती है तो वो हमें इतना कमजोर ना समझे कि हमारे योद्धाओं का नाम घसीट दे। हम इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए ये मेवात की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है, और मोनू मानेसर जैसे दो बातों के साथ इस देश का एक एक हिंदू खड़ा है। कि हरियाणा का प्रशासन तो समझ गया होगा और राजस्थान के प्रशासन को साथ ये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो गो हत्यारों को ही संरक्षण देकर इस देश में राजनीति और बंटवारा करने का काम करा है, तो वो कांग्रेस सरकार ने करा है, और उसी का कारण है कि जब गो भक्त जागे तो उन्होंने एक दौर से सफाया करना चालू करा। चाहे हमने महावीर पुरखों के कारण से आज 100 करोड़ हिंदू इस धरती पर है, जिन्होंने हमेशा इन जिहादियों को मार मार करके सीधा करने का काम किया, आज उनके पौरुष और उनके पुरखों के प्रताप से हम 100 करोड़ इस धरती के ऊपर जिंदा है। और ये कायर वही खून है जिन्होंने तलवार के डर से तलवार की चोर पर सलवार पहनने का काम किया था, आज ये वही खून है। ये 5 लोग ही नहीं, हम सबको मौनू श्रीकांत रिंकू बनकर के लिए काम करना पड़ेगा। आपको बता दें महापंचायत में कई भड़काऊ बयान देने के भी आरोप लग रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इस महापंचायत में कई भड़काऊ बयान भी दिए गए हैं। वैसे इस पूरे मामले में सच अभी सामने नहीं आया, पूरा सच अभी सामने नहीं आया है। मोनू और नामजद लोगों पर आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। आरोप है, गंभीर आरोप है, कौन दोषी है कौन निर्दोष है इसका फैसला आना भी बाकी है, कोर्ट इसका फैसला करेगी। लेकिन विवाद पूरी तरह से दो धड़ों में बंटता नजर आ रहा है। जुनैद और नासिर की घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी अब बयान आ गया, यह मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जो ये काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, बेईमान लोग हैं, असमय तत्व, प्रधानमंत्री खुद ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है। देखिए बार बार कह रहे हैं कि नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसका भी आधा सच सामने आया है, लेकिन इस आधे सच के बहाने ही नफरत की दुकान खोलकर अपराध की घटना को हिंदू मुसलमान में बदल दिया गया है। जुनैद और नासिर की हत्या पर असद ओवैसी को मौका मिल गया है, उनको हिंदू राष्ट्र का डर दिखाने और मुसलमानों को भड़काने का मौका मिल गया है। ओवैसी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है, उन्होंने क्या ट्वीट किया हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई खट्टर सरकार बताए कि जुनैद नासिर के हत्यारे कब गिरफ्तार होंगे। असद ओवैसी का ट्वीट, महापंचायत में जहर उगलने वाले जेल कब जाएंगे। खट्टर साहब ने मामले की जांच की जिम्मेदारी से अपने हाथ धो लिए और पूरी जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस पर थोप दी है। साफ जाहिर होता है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार गौरक्षक गैंग को बचाने में लगी हुई है। असद ओवैसी का ट्वीट, इस हादसे से पहले भी ये तमाम मुजरिम भाजपा सरकार और हरियाणा पुलिस के संरक्षण में काम कर रहे थे। ये ओवैसी जैसे लोग 10 मिनट मांगते थे देश के लिए, 10 मिनट मांगते थे या नहीं, इन्होंने पूरे ओपन कहा कि 10 मिनट दे दो हम ठीक कर देंगे। ये एक टुकड़ी हमारे समाज के मोनू मानेसर और इसके टेप, ये शुरू हुई है, ये चली है, तुम्हारे धुआं उठने लगी है, वैसे पूरा समाज खड़ा होने लग रहा है,
तब तुम्हें कहां खड़े होगे। आपको बता दें ये पूरा मामला भिवानी कंकाल कांड का, ये पूरा मामला इसकी वजह से दरअसल दो राज्यों की पुलिस भी आमने सामने हो गई। मामला बढ़ रहा है, सियासी लड़ाई, अब पुलिस भी आमने सामने आई। दरअसल राजस्थान पुलिस ने 17 फरवरी की सुबह 3:30 बजे हत्या के एक आरोपी श्रीकांत पंडित के घर पर छापा मारा था। श्रीकांत के रिश्तेदारों का यह आरोप है कि राजस्थान पुलिस की मारपीट की वजह से आरोपी की गर्भवती पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी। अब नूह के नगीना थाने में यह केस दर्ज किया गया है। शिकायत में राजस्थान पुलिस का नाम भी और 30 से 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आप सभी से मेरी एक मार्मिक अपील है, राजस्थान पुलिस के द्वारा मेरे परिवार के साथ जो बर्बरता बरती जा रही है और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, और मेरे दोनों भाइयों को उठा लिया जाता है, उनके साथ मार कुटाई की जाती है, और मेरी पत्नी के साथ घर में आकर जो 9 महीने की गर्भवती है उसके साथ धक्का मुक्की की जाती है, जिससे कि मेरा एक नवजात शिशु जो जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया दुनिया में वह स्वर्ग सिधार गया। आगे बढ़ेंगे और अब हम